डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए कहा जाता है। डीएनए वो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस रखता है जो तमाम जानदारों की ग्रोथ, डेवलपमेंट और कामकाज को कंट्रोल करती है। उसकी साख्त एक नाजुक ट्विस्टेड लेडर से मिलती जलती है जिसे डबल हीलक्स कहा जाता है। इस लेडर का हर एक हिस्सा न्यूक्लियोटाइड्स के जोड़ों पर कंसिस्टेड होता है, जो डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो एक यूनिक जेनेटिक कोड बनाते हैं जो जिंदगी के सीक्रेट्स को अपने पास रखता है। 1950 की दुहाई के अवाइल में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की स्ट्रक्चर को खोला। इस इंकशाफ ने न सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस में एक अहम मोड़ का निशान लगाया बल्कि जेनेटिक्स के बारे में हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद भी रखी। रेप्लिकेशन एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में डीएनए का किरदार काबिल जिक्र से कम नहीं। जब सेल्स डिवाइड होते हैं, डीएनए एक प्रोसेस से गुजरता है जिसे रेप्लिकेशन कहा जाता है, जहां हर स्ट्रैंड एक नए तकमीली स्ट्रैंड को बनाने के लिए टेम्पलेट के तौर पर काम करता है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि हर नए सेल को जीनियाती मालूमात की एक जैसी कॉपी हासिल हो, जिससे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रेट्स को मुंतकिल किया जा सके। जेनेटिक कोड। डीएनए के अंदर लिखा हुआ जेनेटिक कोड एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसमें जमीन पर मौजूद तमाम जिंदगी मुश्तरक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स ट्रिपलेट्स की एक तरतीब है जो कोड्स के नाम से जाना जाता है, जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स से मुताबकत रखता है। प्रोटीन्स बदले में लातादाद बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में एक अहम किरदार अदा करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट से लेकर एंजाइम्स फंक्शन तक। म्यूटेशंस एंड डाइवर्सिटी। अगरचे डीएनए की फिडेलिटी काबिल जिक्र है, ये रेप्लिकेशन के दौरान कभी कभार होने वाली गलतियों या एक्सपोजर और केमिकल जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स के सामने आने से महफूज नहीं है। ये गलतियां, जिन्हें म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है, जेनेटिक कोड में वेरिएशंस का बायस बन सकती हैं। अगरचे कुछ वेरिएशंस नुकसानदाह हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर का सबब बन सकते हैं, दूसरे वक्त के साथ साथ स्पीशीज के डाइवर्सिटी और रेवोल्यूशन में हिस्सा डालते हैं। डीएनए के स्टडी ने ऐसी टेक्नोलॉजीज को जन्म दिया है जिसने मेडिसिन, फोरेंसिक और एग्रीकल्चर जैसे शुभों ने तब्दील कर दिया है। डीएनए को तरतीब हमें जानदारों के मुकम्मल जेनेटिक कोड को पढ़ने और समझने की इजाजत देती है, बीमारियों, एंसेस्ट्री और बहुत कुछ के बारे में बसीरत को खोलता है।